जी, देश के लोग राहुल जी को, कांग्रेस पार्टी को पसंद करने लगे हैं, सम्मान करने लगे हैं। इससे बड़ी खुशी हमारे लिए और कुछ हो नहीं सकती। जनता का प्यार राजनीति का सबसे बड़ा इनाम होता है, तो लाख कोशिश कर लें, लेकिन जो रिश्ता मोदी जी को देश की जनता से बनाना चाहिए था, वो सारी जनता एक तरफ रख के उन्होंने अडानी जी से रिश्ता निभाया। राहुल गांधी को अगर इस यात्रा के बाद एक शब्द से जोड़ेंगे तो क्या कहना चाहेंगे राहुल जी के बारे में? लोगों का नेता। बंगाल का क्या रहेगा? बंगाल कांग्रेस की जमीन है, काफी सालों तक कांग्रेस ने शासन किया, कई लोकसभा दिए गए। 2019-17 में आप लोग 44 सीटों पर थे, बट अब यहाँ वैसा पोजीशन नहीं है, तो आगे की रणनीति क्या बना रही है युवा कांग्रेस? राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बनते तो क्या लगता है देश में क्या बदलाव आ जाएगा? तो भारत जोड़ो यात्रा से पहले जब राहुल जी से मिलते थे और यात्रा के बाद मिले हैं, तो क्या बदलाव राहुल जी में दिखा है? ममता बनर्जी से क्या लगता है, लोग यहाँ के नाराज है या खुश है, जो अभी आपका अनुभव हुआ? राहुल गांधी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा लम्हा है, क्योंकि राहुल गांधी जैसे भारत जोड़ो यात्रा को कंप्लीट कर आए, उसी तरीके से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी को भाषण देने यानी लेक्चर देने के लिए बुलाया गया है, जिसके बाद जो है देश के लिए गर्व की बात है कि दुनिया के एक बड़े यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी का लेक्चर होना है। और ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के ऑल इंडिया इंचार्ज कृष्णा जी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। कांग्रेस यहाँ पर शासन कर चुकी है, मगर 40 सालों से शासन से दूर है, या कह सकते उससे ज़्यादा दिनों से। तो सर, सबसे पहले ये कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी को बहुत सारे जगहों से सम्मानित किया जा रहा है, कैसा लग रहा है कांग्रेस के वर्कर होने के नाते या कांग्रेस के सिपाही होने के नाते? जी, देश के लोग राहुल जी को, कांग्रेस पार्टी को पसंद करने लगे हैं, सम्मान करने लगे हैं। इससे बड़ी खुशी हमारे लिए और कुछ हो नहीं सकती। जनता का प्यार राजनीति का सबसे बड़ा इनाम होता है, और हमें बहुत खुशी है कि जनता हमारे नेता और हमारे पार्टी को प्यार दे रही है। राहुल गांधी के बेहद करीबी साथियों में से आप हैं, तो भारत जोड़ो यात्रा से पहले जब राहुल जी से मिलते थे और यात्रा के बाद मिले हैं, तो क्या बदलाव राहुल जी में दिखा है? राहुल जी हर एक कार्यकर्ता को बराबर मानते हैं, मैं भी उनमें से हूं। मुझे जो दिखता है कि पहले और यात्रा के पहले और यात्रा के बाद में उनमें बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखता है, हर एक से मिलना, हर एक की बात सुनना, ध्यान से बात करना, ठहराव मेरे को दिखता है। राहुल गांधी ने अडानी पर लगातार सवाल पूछे और सवाल को जो है लोकसभा के जो है रिकॉर्ड से हटा दिया गया, तो कांग्रेस तो सवाल उठा रही है मगर शासन उनके साथ शायद खड़ा नहीं है, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? शासन अडानी और प्रधानमंत्री का जो रिश्ता है वो छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये ऐसा रिश्ता है, ये दोस्ती इतनी गहरी है कि वो लाख छुपाएं, चाहे वो संसद के कार्रवाई से बातें मिटा दें, जनता देख चुकी है कि प्रधानमंत्री और अडानी जी का बहुत गहरा रिश्ता है, दोस्ती है, याराना है, और प्रधानमंत्री का जो रिश्ता है वो छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये ऐसा रिश्ता है, ये दोस्ती इतनी गहरी है कि वो लाख छुपाएं, चाहे वो संसद के कार्रवाई से बातें मिटा दें, जनता देख चुकी है कि प्रधानमंत्री और अडानी जी का बहुत गहरा रिश्ता है, दोस्ती है, याराना है। कभी उनके प्लेन में जाते हैं, कभी उनसे हाथ मिलाते हैं, जिस प्रदेश में भी जाते हैं उसके बाद अडानी जी को उस प्रदेश में से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो ये तो छुपाने से भी नहीं छुपने वाला रिश्ता है। तो लाख कोशिश कर लें, लेकिन जो रिश्ता मोदी जी को देश की जनता से बनाना चाहिए था, वो सारी जनता एक तरफ रख के उन्होंने अडानी जी से रिश्ता निभाया। 2024 करीब है, तीन सर्वे आए हैं, तीनों सर्वे में कांग्रेस की सीटें बढ़ रही है मगर सत्ता नहीं मिल रही है, ये बताया जा रहा, आंकड़े दिए जा रहे। 24 में अभी बहुत समय है, और सर्वे क्या कहती है क्या नहीं कहती है उस पर तो मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करता, लेकिन कार्यकर्ता होने के नाते, कांग्रेसी होने के नाते, देश के हित का चाहने वाला होने के नाते,
मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में जैसे राहुल जी ने सड़क पर उतरकर जनता की आवाज़ बनकर उनकी समस्याओं के लिए संघर्ष किया, हर एक कांग्रेसी का फर्ज है, कर्तव्य है कि वो भी वही काम करे। राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बनते तो क्या लगता है देश में क्या बदलाव आ जाएगा? जी, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, कांग्रेस पार्टी पावर में आती है, तो हमारा सबका लक्ष्य एक ही है कि हिंदुस्तान में सबसे जो वंचित लोग हैं, गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, लो इनकम लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, महिला हैं, सबको अच्छे दिन दिखलाएं, जो मोदी जी सिर्फ अडानी को दिखा रहे हैं। बंगाल का क्या रहेगा? बंगाल कांग्रेस की जमीन है, काफी सालों तक कांग्रेस ने शासन किया, कई लोकसभा दिए गए, 2019-17 में आप लोग 44 सीटों पर थे, बट अब यहाँ वैसा पोजीशन नहीं है, तो आगे की रणनीति क्या बना रही है युवा कांग्रेस? युवा कांग्रेस की रणनीति बहुत साफ है, बंगाल के युवाओं का प्रेम जीतना, उनके साथ खड़ा रहना उनके समस्याओं में, उनके दिल जीतना, यही हमारी रणनीति है। और मुझे विश्वास है कि बंगाल के लोग, बंगाल के युवा दोबारा कांग्रेस पार्टी को ताकत देंगे। ममता बनर्जी से क्या लगता है, लोग यहाँ के नाराज है या खुश है जो अभी आपका अनुभव हुआ? ममता बनर्जी से लोग नाराज तो हैं, कहीं खुश नहीं हैं, लेकिन उनको अभी फिलहाल विकल्प ना दिखने के कारण उनके साथ जाते हैं मजबूरी में। कांग्रेस विकल्प है उनके लिए? बनना चाहते हैं, बनेंगे। राहुल गांधी को अगर इस यात्रा के बाद एक शब्द से जोड़ेंगे तो क्या कहना चाहेंगे राहुल जी के बारे में? लोगों का नेता। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।